हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल जेस्ट। कैसे हैं सभी दोस्त? आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट का मेथड। तो आप जैसे जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लीनियर मेजरमेंट के मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स हैं। तो फर्स्ट काइंड है हमारे पास डायरेक्ट मेजरमेंट, नेक्स्ट इनडायरेक्ट मेजरमेंट, एंड थर्ड जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, इसको हम एब्रीवेशन में EDM भी कहते हैं। तो इसमें देख लीजिए कि सबसे पहले हम इसका प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है और किस बेसिस पे करता है। तो सबसे पहली जो बात हमें याद रखनी है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेसिस पे करता है। मींस ये कि जब भी हम लीनियर मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि एक्यूरेट डिस्टेंस में मालूम हो जाए। सबसे ज़्यादा बड़ा मकसद ये होता है कि एक्यूरेट डिस्टेंस मालूम हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस केस में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती हैं, देन रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, और उस पॉइंट के बीच जो टाइम और उसकी वेलोसिटी के मदद से हम उसको डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है। तो आइए इसका प्रोसेस ज़रा देख लेते हैं। ये इसके टू पार्ट्स हैं, कोई भी EDM की मशीन है देख लेते हैं उसके। सबसे पहले इस तरीके से टू पार्ट्स ऑफ समझ लेंगे, इसको हम ए पॉइंट नाम दे देते हैं। और ये हमारे पास बी है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमीटर बोलेंगे। इसको हम ट्रांसमीटर बोलेंगे क्यों? क्योंकि इससे हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रांसमिट हो रही हैं टूवर्ड्स पार्ट बी, ट्रांसमीटर। एंड दिस विल बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्टर। जब यहाँ पे पहुँचेंगी तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी। सो अब देखिए फ्रेंड, ये हमारे पास ट्रांसमीटर है, ये एट पॉइंट ए हमारे पास हमने रखा, एंड ये एट पॉइंट बी है। तो हमें क्या करना है, लीनियर मेजरमेंट करनी है, इसे बी तक का डिस्टेंस मालूम करना है। तो किस तरीके से होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट होंगी या ट्रांसमिट होंगी और इस रिफ्लेक्टर पे जाएंगी, ये पहला प्रोसेस हो गया। इसके बाद इस रिफ्लेक्टर से वो ये रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्ट बैक करेगा, एंड देन इट विल मूव टूवर्ड्स पॉइंट ए। तो इस तरीके से कुछ रिफ्लेक्ट बैक होंगी और इस तरीके से ये ए से जाके टकरा देंगी। तो ये पूरा जो हमारे पास प्रोसेस होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, इससे हम फाइंड आउट करेंगे। सो ट्रांसमीटर से वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिफ्लेक्टर पे गई, एंड रिफ्लेक्टर ने रिफ्लेक्ट बैक किया, देन दे विल मूव टूवर्ड्स द ट्रांसमीटर। तो ये पूरा क्या हुआ, अगर हम इस डिस्टेंस को एक डिस्टेंस को डी का नाम दें, मतलब तो यहाँ से डिस्टेंस जो किया एक दफ़ा ट्रेवल किया डी, तो अब दो दफ़ा वेव ने ट्रेवल किया है तो इट विल बी 2D। जब दोनों प्रोसेस, जब जाने में और आने में क्या हुआ, डी प्लस डी 2D। अब यहाँ पे देख लें, इसको रिफ्लेक्टर को हम एक चीज़ है रिसीवर भी कह सकते हैं, रिसीवर भी कह सकते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने बेसिकली डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो किस तरीके से करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो सबसे पहले तो देख लें कि जब भी यहाँ से वेव्स ट्रांसमिट होंगी तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर होगा, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर जो है वो टाइम रिकॉर्ड कर लेगा। यहाँ पे गई और रिफ्लेक्ट बैक किया और यहाँ पे वापस आ गई, तो ये ट्रांजिट टाइम, इसको हम कहेंगे ट्रांजिट टाइम, विल बी रिकॉर्डेड ऑन द EDM। तो इस पूरे प्रोसेस में जितना टाइम कवर हुआ उसको हम ट्रांजिट टाइम कहेंगे। सो टी विल बी अवर ट्रांजिट टाइम, टी विल बी अवर नेक्स्ट जो है इन वेलोसिटी जब मूव करेगी तो इसकी जारी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कोई वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से वो प्रोपेगेट कर रही हैं, तो वी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लें कि डिस्टेंस को हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, डी एंड टी, 2D। तो 2D हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू टी इंटू वी। सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पे 2D क्यों आ गया, या मैंने आपको बता दिया, 2D इज इक्वल टू टी इंटू वी। तो हमें तो सिंपल डिस्टेंस चाहिए जो कि वन, एक बारी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन्होंने ए से लेकर बी तक कवर किया। तो क्या है, टी डी इज इक्वल टू टी इंटू वी डिवाइडेड बाई टू। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक पूरी इक्वेशन आ गई किसकी, डिस्टेंस की। अब यहाँ पे आप देख लें, फर्दर अगर हम बात करें तो वेलोसिटी को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, वी इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। अब यहाँ पे लेमडा क्या है एंड एफ क्या है, सो वी जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। इस फॉर्मूले से हम वी को फाइंड आउट करते हैं। तो एफ क्या, हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं
ये किसी फ्रीक्वेंसी पे मूव करेंगी। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स हमारे पास होती है हर्ट्स। तो हर्ट्स फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, लेमडा इज इक्वल टू अवर वेव लेंथ इन मीटर्स। तो सिंपली आपने इस फॉर्मूले को यूज़ करके वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेना है। तो ये तो हमारे पास पूरा एक प्रोसेस हो गया कि इस तरीके से ईडीएम किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है और किस प्रोसेस के थ्रू हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। नो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। मीन्स के कैरियर वेव्स जो हमारे पास हैं वो लाइट वेव्स हो सकती हैं, इन्फ्रारेड वेव्स हो सकती हैं, और डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं इन्हीं वेव्स के ऊपर, विच आर कॉल्ड एज EDMI, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो उनको अभी हम फर्दर देखते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं हम EDM के जो फर्दर EDM के इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम उनको फर्दर क्लासीफाई करते हैं हम टू टाइप्स में। बेसिकली इनको टू टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। तो हम देख लेते हैं वो कौन सी टाइप्स है। फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स। अब उनके इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले देख सकते हैं हम वेवलेंथ। अब ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं उनकी वेवलेंथ की रेंज बताई हुई है, एंड इट इज़ 0.7 to 1.2 माइक्रोमीटर। ये वेवलेंथ है लैम्डा, 0.7 to 1.2 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 to 8.6 मिलीमीटर वेवलेंथ लैम्डा। मींस ये कि इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी जो रेंज है, वो इससे काफ़ी बड़ी है, इससे काफ़ी ग्रेटर है। माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स की वेवलेंथ की रेंज इससे काफ़ी ग्रेटर है। नेक्स्ट आप देख लें पेनिट्रेशन कैपेसिटी जीरो। अब होता क्या है कि जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करते हैं तो वेव्स ने ट्रेवल करना होता है, और वेव ने ट्रेवल करना होता है तो वेव्स की पेनिट्रेशन कैपेसिटी है कि वो क्लाइमेट के अंदर कितनी पावर से और कितनी उनकी कैपेसिटी है कि वो पेनिट्रेट कर सकती हैं और ट्रेवल कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। तो इन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो वेव्स हैं उनकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, पेनिट्रेशन कैपेसिटीज लो, पेनिट्रेशन कैपेसिटीज हाई। अब इसी पेनिट्रेशन कैपेसिटी की बेस पे थर्ड पॉइंट है कि नॉट सुटेबल फॉर फॉग एंड हेज। मीनिंग कि जब भी धुंध हो, या हेज का मतलब है गर्दो गुबार हो, तो या तो धुंध हो या गर्दो गुबार हो, मीन्स के क्लाइमेटिक कंडीशन फेयर ना हो, तो हम इनको यूज़ नहीं कर सकते, इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी लो है, वो वेव जो है वो सही तरह ट्रैवल नहीं कर पाएगी टू द रिफ्लेक्टर। बट इन केस ऑफ माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास पेनिट्रेशन कैपेसिटी हाई होती है, तो एबल टू वर्क इन डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशन। मीन ये कि अगर धुंध है, फॉग है, या फिर कोई गर्दो गुबार है, लेकिन इन वेव्स की चूंकि वेव लेंथ भी ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, तो ये ट्रैवल कर लेती हैं। तो फिर डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में दीज आर द गुड वन टू सेलेक्ट। अब एक पॉइंट और देख लें, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी हमारे पास गिवन है 3 to 35 गीगाहर्ट्स। गीगाहर्ट्स क्या होता है, इंटू 10 टू पावर 9। गीगाहर्ट्स में इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज गिवन है 3 to 35 गीगाहर्ट्स। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट सा कंपेरिजन है हमारे पास के इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स के बीच क्या फ़र्क होता है। सो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास वेव टाइप है, ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। अब वेव टाइप की बेसिस पर भी हम क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंट वेव्स की बेसिस पर हम इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफाई करते हैं। कैसे करते हैं यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास लाइट वेव्स होती हैं। अब ये जो हमारे पास वेव्स की क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ होती है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट वेवलेंथ की बेसिस पर हम ये तीन टाइप की क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट वेव्स, सेकेंड जो है हमारे पास रेडियो वेव, या इनको माइक्रोवेव भी कहते हैं, थर्ड हमारे पास होती है इंफ्रारेड वेव्स। अब फर्स्ट पे आप देख लें लाइट वेव्स की वजह से कि लाइट वेव्स किन इंस्ट्रूमेंट से पास आउट होती है, किन इंस्ट्रूमेंट से ट्रांसमिट होती है या प्रोपेगेट होती है, उस बेसिस पर हम लाइट वेव्स के बेस पर जियोडी मीटर एंड मैकोमीटर को याद रखना है। तो ये सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, आपको पिक्चर शो कर दूंगा। तो यहाँ पर आपने सिंपल नाम याद रखने हैं, जियोडी मीटर एंड मैकोमीटर। सेकेंड जो हमारे पास रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव है, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, जो एग्जाम्पल है डिस्टोमेट एंड टेल्यूरोमीटर, डिस्टोमेट एंड टेल्यूरोमीटर। नेक्स्ट एंड लास्ट इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड में देख लीजिए कि टोटल स्टेशन, टोटल स्टेशन का नाम आपने भी सुना होगा। टोटल स्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारा सर्वेइंग में, और ये बेसिकली टू थिंग्स का कम्बिनेशन होता है, एक थियोडोलाइट जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो सर्वेइंग में हमारा यूज होता है, प्लस EDM। तो EDM प्लस थियोडोलाइट इज इक्वल टू टोटल स्टेशन। तो ये इन दोनों का कम्बिनेशन होता है, और आगे वीडियोज में हम इसको कवर करेंगे। तो फिलहाल आप सिर्फ ये याद रखिए कि ये एग्जांपल है हमारी वेव टाइप्स को हमने क्लासिफाई किया तीन टाइप्स के अंदर, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स। और उसी बेसिस पर जो वेव्स ट्रांसमिट हो रही हैं, प्रोपेगेट हो रही हैं, उस बेसिस पर ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जियोडीमीटर, माइक्रोमीटर, डिस्टोमेट, टेल्यूरोमीटर, टोटल स्टेशन। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही।
आज की वीडियो में जो हमने कॉन्सेप्ट कवर किया वो ईडीएम मेथड्स एंड ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स का था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।